वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एक DIY। तो हम बना रहे हैं एक लिक्विड इल्यूमिनेटर और हाइलाइटर। वी नीड एन एम्प्टी बॉटल एंड देन वी नीड अ पाउडर्ड हाइलाइटर और आई शेडो। सो एंड देन वी नीड अ बेबी ऑयल। आप कोकोनट ऑयल भी ले सकते हो इफ़ यू वॉन्ट। एंड फाउंडेशन इज ऑप्शनल, अगर आप चाहो आपको डालना हो तो ही आप लो, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। देन मैंने ये आई शेडो पैलेट इसलिए लिए बिकॉज इसमें से मुझे गोल्डन शेड चाहिए, सो दैट्स वाई आई हैव टेकन दिस आई शेडो। एंड यू नीड अ स्पैचुला बिकॉज वी हैव टू स्क्रेप थिंग्स एंड मिक्स इट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हम बॉटल में अपना हाईलाइटर डालेंगे, सो वी हैव टू जस्ट स्क्रेप इट एंड पुट इट ऑन इन द बॉटल। तो ये मेरा ब्रोकन हाइलाइटर है एंड ये सिल्वर कलर में था, तो इसे मैं अपने फेस पे यूज़ ही नहीं करती थी बिकॉज आई डोंट लाइक सिल्वर हाइलाइटर्स। सो ये ब्रोकन भी है तो मैंने सोचा व्हाई नॉट टू मेक अ यूज़ ऑफ इट। सो इसे मैं स्क्रेप करके बॉटल में डालूंगी। और इससे मैंने पहले भी एक हाइलाइटर बनाया है ऐसे ही लिक्विड हाइलाइटर जो कि मैं यूज़ करती हूँ और वो बहुत अच्छा है। सो इट्स गोइंग टू हेल्प टू गर्ल्स दोज हु आर गेटिंग मैरिड रिसेंटली। Was it going to provide you a glow and shine? And shine and glow किसको पसंद नहीं होता है। And अगर आप इसको अपनी body पे hands पे लगाओगे तो ये आपको बहुत प्यारी shine देने वाला है। And you can use it on your face also if you want, but ये silver है इसलिए I don't use it on my face. So now I'm just going to scrape some golden shade also because silver is not my taste. If you are not interested in using golden shade, so you can skip this also. It's optional. Now you have to mix both the shades and then put liquid product in. So अब हम foundation डालेंगे और foundation optional है, अगर आपको डालना हो तो आप डाल सकते हो, नहीं डालना हो तो it's okay. मैं इसीलिए डालती हूँ बिकॉज उससे थोड़ी सी उसकी कंसिस्टेंसी थिक हो जाती है, अदरवाइज ओनली ऑयल रहेगा तो इट विल बी वेरी रनी। दो इट ऐसे भी वो रनी ही रहेगा बट फिर भी थोड़ा सा एक कवरेज भी मिलता है फाउंडेशन से, तो दैट्स वाई आई एम टेकिंग फाउंडेशन, बट इट्स कम्प्लीटली ऑप्शनल, यू कैन स्किप इट ऑल्सो। नाउ वी आर यूजिंग बेबी ऑयल। बेबी ऑयल इसलिए बिकॉज इट डोंट लुक वेरी स्टिकी स्टिकी। यू कैन टेक कोकोनट ऑयल ऑल्सो। सो नाउ वी विल यूज दिस स्पैचुला एंड मिक्स एवरीथिंग वेल बिकॉज ऑयल और फाउंडेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लाइक देयर कंसिस्टेंसी इज बिट डिफरेंट। तो ऑयल को फाउंडेशन में मिक्स होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लाइक बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, एंड उसको आप शेक कर लोगे तो इट्स डन। नाउ यू गाइस कैन सी इट्स लिटिल बिट थिक बिकॉज ऑफ फाउंडेशन, अदरवाइज इट वुड बी वेरी रनी। तो मैं आपको अपने हाथ पे स्प्रे करके दिखाती हूँ, इट्स गोइंग टू लुक वेरी प्रिटी। सी इट्स शाइनिंग। एंड अगर आप लोगों को इतना क्लियर नहीं कैच हो रहा है ना, तो मैं आपको थोड़ा जूम में भी दिखाती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे कि इट्स रियली नाइस। सी इसमें सिल्वर ज्यादा है इसलिए इसकी सिल्वर पार्टिकल्स की शाइन ज्यादा है, बट ये शाइन अच्छी लगती है। सो सी और जूम में भी। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय बाय।